अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज अपन बनाने वाले हैं चकोड़ियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चने की दाल को 2 घंटे भिगा लेकर इसको सोक कर लेना है अच्छे से। 2 कटोरी पानी डाल लेना है इसमें। एक चम्मच नमक ऐड कर लेते हैं। एक चम्मच मिर्ची ऐड कर लेते हैं। अब इसको खोलने तक पका लेते हैं अच्छे से। थोड़ा फूड कलर, एक चुटकी फूड कलर डाल लेते हैं। यहाँ पे अपना पानी खदखद पक चुका है। एक कटोरी मैदा डाल लेते हैं। और एक कटोरी चावल का आटा ऐड कर लेते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट छोड़ देना है दम पे ढाप के। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और गूंद लेते हैं आटा। तो अच्छे से आटा अपन ने यहाँ पे गूंद लिया है। आटे को ऐसा लंबे लंबे कर लेना है। कट कर लेके गोल बना लेना है, शेप रिंग का। इसमें चने की दाल लगा लेना है आटे में। तो यहाँ पे अपना रिंग चने का रेडी है। इसको पहले ऐसा लंबा बना लेना है शेप दाल लगा के। फिर इसको ऐसा गोल कर देना है रिंग के शेप में। तो यहाँ पे अपने रिंग्स रेडी हो चुके हैं। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल डाल लेते हैं।
तेल को अच्छे से गरम कर लेते हैं, फिर फ्राई कर लेते हैं रिंग्स। तो तेल अच्छे से गरम हो चुका है, तो चलिए अब रिंग्स डाल लेते हैं इसमें। तो चलिए एक साइड फ्राई हो चुके, तो चलिए अब इसे पलटा लेते हैं। तो यहाँ पे अपने चकोड़ी फ्राई हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अपने रिंग्स फ्राई हो चुके हैं।